अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आयत क्रिएटिव लॉक्स। आज हम बनाने वाले हैं मसालेदार कलेजी फ्राई की रेसिपी। आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी रहेगी और बहुत ही सिंपल वे में बताऊंगी, आप ज़रूर ये रेसिपी को ट्राई करिए। चलिए, इस रेसिपी के लिए यहाँ पे हमें चाहिए कलेजी। ये हाफ के जी कलेजी है, इसे मैं साफ़ धोकर 1 इंच के पीसेस में कट करके रख ली हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे पैन ले ली हूँ और इसके अंदर डाल लेते हैं 1/2 कप भर के तेल। तेल ज़्यादा ही रहना चाहिए कलेजी फ्राई करने के लिए। और एक मीडियम साइज प्याज है, इसे मैं बारीक बारीक कट करके डाल रही हूँ और इसे लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। प्याज हल्का सा कलर चेंज हो चुका है और इसके अंदर डाल लेते हैं 6 सूखी मिर्च। अगर आप स्पाइसी ज़्यादा खाने वाले हैं थोड़ा ज़्यादा डाल लीजिए, अगर आप स्पाइसी कम खाते हो तो कम करके डाल लीजिए। आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग स्पाइसी को कम या ज़्यादा करके डाल लीजिए। इसे डार्क ब्राउन होने तक वेट करिए। डार्क ब्राउन हो गया है और इसे मैं सर्विंग प्लेट में निकाल के रख लूँगी, प्याज और सूखे मिर्च को, देखिए इस तरह से। अब नेक्स्ट प्रोसीजर है, सेम इसी तेल के अंदर डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे 1 मिनट तक पका लेते हैं। 1 मिनट के बाद में 1 टेबल स्पून भर के हरी मिर्ची का पेस्ट है, ये 3-4 हरी मिर्ची का पेस्ट है, इसे भी 1 मिनट तक पका लेते हैं। पकाने के बाद में यहाँ पे कलेजी डाल लेते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसी के अंदर डाल दूंगी 1/2 टीस्पून भर के जीरा है ये। जीरा को भी डालने के बाद में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसे हम मीडियम फ्लेम पे पका लेना है 3 से 4 मिनट के लिए। तब तक हम नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं एक मिक्सी जार ले रही हूँ और इसी के अंदर फ्राई करके रख लिए थे ऑनियन और सूखे मिर्च, इसको डाल लेते हैं। और 4 से 5 टेबल स्पून भर की दही है, दही को डालने के बाद में यहाँ पे 1 टेबल स्पून भर के कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया का पाउडर है ये, 1 टीस्पून भर के हल्दी का पाउडर। इसे डालने के बाद में एक स्मूथ पेस्ट बना लेते हैं। 1 टेबल स्पून भर के जीरा पाउडर डालने के बाद में अच्छी तरह से स्मूथ पेस्ट बना लेना है। स्मूथ पेस्ट बन के रेडी हो चुका है, सो नेक्स्ट प्रोसीजर देख लेते हैं। यहाँ पे कलेजी 20 to 10% कुक हो चुका है, सो इसी के अंदर मैं यहाँ पे एक टमाटर का प्यूरी बना के रख ली थी, वो प्यूरी को इसके अंदर डाल लेते हैं और इसे कम से कम आप 5 से 6 मिनट तक पका लेंगे मीडियम फ्लेम पे। बीच बीच में अच्छी तरह से मिक्स करते जाइए। पकते हुए 5 से 6 मिनट हो चुका है, फ्लेम को मीडियम स्लो पे कर देते हैं। देखिए इसमें कलीजे में से जो भी एक्सेस ऑयल दिख रहा है वो दिख रहा ही होगा आपको वीडियो में क्लैरिटी से। और जो फाइन पेस्ट बन के रेडी करके रख लिए थे, दही और फ्राइड ऑनियन, सूखी मिर्च, जीरा का पाउडर, धनिया का पाउडर, हल्दी, ये पूरा पेस्ट बना के रख लिए थे, वो पेस्ट को इसके अंदर डाल लेते हैं। डालने के बाद में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पे फ्लेम को आप मीडियम पे रख दीजिए। और इसमें जो भी पेस्ट का पानी था मिक्सर जार का, उसके अंदर पानी डाल लेते हैं 1/2 कप भर के और इसको पका लेते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। आप मीडियम फ्लेम पे रख दीजिए और ढक्कन ढक के रख दीजिए और बीच बीच में लगातार मिक्स करते जाइए। पंद्रह मिनट के बाद में देख लीजिए, आपको वीडियो में क्लैरिटी दिख रही होगा, एक्सेस ऑयल ऊपर दिख रहा है कलीजे के अंदर से। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसका ग्रेवी भी थिक बन रहा है हल्के हल्के से, देखिए आपको वीडियो में और क्लैरिटी होगा कि थिक कंसिस्टेंसी बन रहा है ग्रेवी में, जो भी ग्रेवी एक्सेस ग्रेवी था बहुत थिक बन गया है। और इसे दोबारा से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद में 1 टेबल स्पून भर की कस्तूरी मेथी,
इसे डालने के बाद में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद में यहाँ पे मैं हाफ टी स्पून भर के होममेड गरम मसाला डाल रही हूँ। ये होममेड गरम मसाला है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लीजिए, यहाँ पे मैं 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए। नमक और मिर्ची को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। डालने के बाद में इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और फ्लेम को लो कर दीजिए 3 मिनट के लिए। 3 मिनट हो चुका है फ्लेम लो पे रख के। ये 2 हरी मिर्ची है, इसे बारीक कट करके ऊपर से डाल रही हूँ। और डालने के बाद में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं कोरिएंडर लीव्स डाल रही हूँ, यानी कोतमीर। डालने के बाद में इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। देखिए आपको यहाँ पे दिख रही होगा, मसाला बहुत नज़दीक आ गया है कलेजी के, और बहुत परफेक्ट बन चुका है कलेजी फ्राई मसालेदार। बस 2 से 3 मिनट के लिए पका लीजिए। 2 से 3 मिनट के बाद फ्लेम ऑफ करिए और सर्विंग के लिए डिश आउट कर लीजिए। बहुत ही आसानी से रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस रहेगी। मसालेदार रेसिपी है ये कलेजी की। ज़रूर आप भी ये रेसिपी को ट्राई करना। और आप ये रेसिपी को, कलेजी को आप रोटी या तंदूरी या तो आप रुमाली के साथ सर्व करके खा सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है, आप भी ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए फ्रेंड्स। आपको वीडियो में दिख रहा ही होगा, वीडियो देखने से आपको समझ में आ रहा होगा कि थोड़ा कुछ अलग बन के रेडी था ये कलेजी। आप भी ये रेसिपी को एक बार ट्राई करिए। अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो ज़रूर आयत क्रिएटिव लॉक्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी बता दूंगी, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। और अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए मुझे कमेंट्स कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, अल्लाह।